नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो कि आप देखे होंगे, लेकिन आपको इसके गुणों के बारे में, औषधि गुणों के बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को जो है गाँव जो है पटुआ के नाम से या पाट के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल जो है आयुर्वेद में पेट से संबंधित समस्या के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह जो है कई बीमारियों में भी फायदेमंद है। गांव में जो है इसको पटुआ के नाम से जाते हैं। इसका जो है साग बनाकर खाया जाता है। यह जो है कई प्रजाति का होता है। ज़्यादातर हम लोग दो टाइप के ही जो है पटुआ को देखे होंगे, एक जो है लाल रंग के फूल का और दूसरा जो है पीले रंग के फूल का। इसको जो है संस्कृत में नाड़ीच, हिंदी में जो है पटुआ, पाट, साख, पटवा, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इसके औषधि गुणों के बारे में। पाइल्स से जुड़ी समस्या में, बवासीर की समस्या में जो है इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से जो है लाभ मिलता है। अगर पेचिस हो रहा हो, दस्त की समस्या हो, तो सूखे पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली मात्रा में पीने से जो है दस्त की समस्या में आराम मिलेगा। पेट से जुड़ी समस्या हो, पेट में जो है दर्द हो, पेट में गैस बन रही हो, अपच की समस्या हो, तो आप जो है इसके पत्ते का साग बनाकर सेवन करें। अगर आप इसके पत्ते का साग का सेवन करेंगे तो आपके जो है पेट दर्द से जुड़ी समस्या हो वो सब जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसके पत्ते का सेवन करने से जो है कृमि, पेट में अगर कीड़े पड़ गए हो, इन सब बीमारियों में ही बहुत ही फायदेमंद होता है यह। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।